अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का जो मेरा मौजू है, मैं आपके साथ बात करूंगा कि हाउ टू अचीव अवर गोल्स। हम अपने ख्वाहिश, हम अपनी ख्वाब, अपने एम को कैसे पा सकते हैं। अगर हमारी थिंकिंग सही डायरेक्शन में है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट जो हम करना चाहते हैं वो हम कर जाएंगे। यहाँ पर एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि जो हम करना चाहते हैं वो हम कर जाएंगे। हम थिंकिंग की बिना पर एक्ट करते हैं। इन फैक्ट वी एक्ट एज थिंकिंग। यू कांट एक्ट विदाउट थिंकिंग। सो जो भी लोग अपनी लाइफ में कुछ कर जाते हैं, अपनी लाइफ में हाईली सक्सेसफुल हो जाते हैं, वो ढूंढते रहते हैं रास्ता कुछ करने का, अपने आप को इम्प्रूव करने का, और वो लोग तो कुछ नहीं करते। जो ऐसे ही नकारा बैठे रहते हैं वो अनजाने रास्ता ढूंढते रहते हैं कुछ ना करने का। तो दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुने कि जब भी हम कोई गोल अपना सेट कर लेते हैं कि मैंने पढ़ना, मैंने आठ घंटे पढ़ना है, लेकिन इसको पूरा नहीं कर पाते, क्यों? इसका एक सिंपल सा रीजन है कि या आप हो या मैं हूँ, दुनिया के हर कदम पे हमारे पास दो चॉइस रहती है, कुछ करने की, कुछ ना करने की, कुछ अच्छा करने की, कुछ बुरा करने की। आपकी जिंदगी इन्हीं छोटी छोटी चॉइसेस की बना पर है। हम सोचते रहते हैं कि किसी दिन हमारे साथ कुछ बड़ा हो जाए, हम सोचते रहते हैं हम कुछ बुरा कर दे, हम दुनिया में ये अपना नाम रोशन कर दे बस चंद ही मिनटों में। ऐसा नहीं होता। लाइफ इज स्टेप, लाइफ इज स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट स्मॉल स्टेप, सेकंड लार्ज स्टेप, एंड The third, we will succeed, we will succeed. मैं इंग्लिश के बहुत बड़े राइटर शेक्सपियर का हवाला देते हुए कहता हूँ कि be great in your head as you have been in the third. यानी उतना अच्छा करें जितना आप सोचते हैं। थैंक यू।